भाई आज तो ओडीआई वर्ल्ड कप में मजा ही आ गया। मतलब कि नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, वो भी कंफर्टेबली। मैच में पूरी तरह पकड़ जमा के रखी थी इन्होंने, एंड बिलीव करना मुश्किल हो रहा है, पर साउथ अफ्रीका ने तो खुद से ही अपने ऊपर मोहर लगा दी चोकर्स की। यानी कि माइनस से कौन हारता है यार। बट स्टिल अगर मैं रियलिटी में कहूँ तो नेदरलैंड्स काफ़ी अच्छा खेल रही थी स्टार्टिंग वाले टूर्नामेंट से। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण हार गए उनके साथ, बट कोई बात नहीं। पर आज एकदम डोमिनेट किया, और ऐसा डोमिनेट नहीं किया, वेरी सॉरी टू से, डोमिनेट नहीं किया मैच में। साउथ अफ्रीका ने काफ़ी अच्छी पकड़ जमाई रखी जब वो फर्स्ट इनिंग से बॉलिंग कर रहे थे, एंड बट सब्सिक्वेंटली टूवर्ड द एंड उनके बैटर्स ने, इनफैक्ट मिडिल ऑर्डर ने, लोअर मिडिल ऑर्डर ने काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। रॉस वॉन, वैन डर मर्वे, जो एक्चुअली पहले साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे काफ़ी सालों पहले, अब नेदरलैंड्स के लिए खेलते हैं, उन्होंने ही अपनी पूरी टीम के आगे से अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया। बैटिंग में भी छक्के चौके जड़े, बॉलिंग में भी क्रूशियल विकेट्स निकाल दिए। तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा मैच लगा। इससे 2 दिन पहले ही आज से अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, वो देख के तो और खुशी हो गई। ऐसा लग रहा था कि थिंग्स आर चेंजिंग इन वर्ल्ड कप, थिंग्स आर चेंजिंग इन क्रिकेट, एंड आई रियली लव इट कि अब माइनोज आर कमिंग ऑनवर्ड। और ये से भले ही अभी भी अपसेट विंस कहलाएंगे क्योंकि ये टीम रेगुलरली नहीं खेलती एंड रेगुलरली जीतती भी नहीं बड़ी टीमों से, बट इट्स अ बिग मोमेंट फॉर क्रिकेट, क्योंकि ये रेगुलर होगा तब जाके ही हमारे वर्ल्ड कप में एक्चुअली हम वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, क्योंकि सिर्फ 10-12 कंट्रीज खेलने से वर्ल्ड कप तो नहीं हो जाता। बट फाइन, जो भी है, अब आगे का वर्ल्ड कप के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना खाता फाइनली खोल दिया है पहले 2 लॉसेस के अगेंस्ट, विच आर वेरी एम्बैरेसिंग। और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के ना ईगो पे हर्ट हो जाता है अगर 50 ओवर फॉर्मेट है, लॉन्गर फॉर्मेट में वो हार जाए किसी छोटी टीम से या किसी भी टीम से तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। एटलीस्ट अब वो जीत गए हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से जीते, मार्जिन से जीते। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड देखते हैं आगे वर्ल्ड कप में, एंड देखते हैं आगे वर्ल्ड कप में क्या होता है।